हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर ट्रेड एसबी। मैं हूं मोहम्मद सोहेल। दोस्तों, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। या आपका कुछ पोर्टफोलियो है जिसके अंदर स्टॉक्स ब्लॉक हो चुके हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। मैं उनका सजेशन आपको डिटेली विद टेक्निकल एनालिसिस आपको स्क्रीनशॉट भेजाते हुए बता दूंगा। अभी टैनला में क्या हुआ, टैनला में मैं 29 फरवरी को अपडेट किया था हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे। एंड टैनला टैनला के मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 29 फरवरी के थे। फ्रेश बाइंग हमारा 29 जनवरी का था, फ्रेश बाइंग, ठीक है। फ्रेश के बाद 29 जनवरी के बाद ये 9 फरवरी है। 29 जनवरी कहाँ पे, यहाँ पे मैं बताया था स्टॉक में 1035 पे बताया था कि मैं 980 से 960 में बाइंग देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाइंग बताने के बाद नीचे गिर गया, स्टॉक गिर गया था 936 स्टॉक गिर गया। उसके बाद स्टॉक कहाँ तक बढ़ा, 1044, जिधर शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेलिंग के साथ 1065 1120 का टारगेट था, जिधर 1040 पे सेकेंडरी ट्रेलिंग लग गया और हमारा हो गया कंप्लीटली प्रॉफिट डन। अभी यहाँ पे मैं फिर से फ्रेश बाइंग देने वाला हूँ, फिर से आज की डेट में भी मैं फ्रेश बाइंग देने वाला हूँ। जो फ्रेश बाइंग के लेवल्स मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों, आप उसे क्लियरली मार्क करके रखना। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप इसके ऊपर आप क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टारगेट इसके बिलो ले रहा हूँ इस बार। इसके बिलो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ, डिप्रिसिएशन कंटिन्यू हुआ, अप्रिसिएशन नहीं हुआ, सोल्ड हुआ, फिर से सोल्ड हुआ, ओवर सोल्ड नहीं हुआ, मल्टीपल सोल्ड के कारण हम लोगों को प्रीवियस जो सोल्डिंग जोन था, जो कंसोलिडेशन का था, स्टॉक उसी के लेवल पे आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों को इसके नजदीक ही प्रीवियस डिप्रिसिएशन के नीचे टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैट्रिक सीरीज भी हमारा आ जाएगा, लेवल अभी के लिए क्या है, -170 है, हम लोगों को चाहिए -341 या -250, जो लेवल हमें काफी जल्दी ही टैनला देने वाला है। तो हम लोगों को दो ब्रेकआउट्स पे काम करना है, सिंगल ब्रेकआउट्स पे काम करना नहीं है। एक ब्रेकआउट है हमारा यहाँ पे, जो एक्चुअल ब्रेकआउट जहां से रैली आया वो है यहाँ पे, जिसका प्राइस अगर डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे। एंड जब तक ये वाला ब्रेकआउट लेवल ब्रेक नहीं करता, स्टॉक हमें एवरेज नहीं देगा या इन बिटवीन इसके एवरेज दे रहा है, तो हम लोग इसमें से निकल सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आए, यहाँ क्लियरली देखेंगे तो लेवल निकल के आया 923। तो हम लोग 925 के इन बिटवीन एंड 910 के इन बिटवीन एंट्री लेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे यहाँ पे, टारगेट हमारे क्लियर है, टारगेट हमारा 961 है, 991 है, ठीक है। फाइनल टारगेट यहाँ पे 115 है। 115 के बाद जो हम लोग ट्रेलिंग करने वाले हैं 1030 यहाँ तक ट्रेलिंग करेंगे। ये रहे नए लेवल्स अपने टैनला में शॉर्ट टर्म एंड प्रोफेशनल स्विंग के हिसाब से। दोस्तों, यही था मेरा एनालिसिस टैनला पे। अगर आपको स्टॉक पे एनालिसिस समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।